भद्रवाह की हर छोटी बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर, बने रहिए डेली न्यूज इंडिया के साथ। अंतिम में आप जाते समय आप देख रहे हैं डेली न्यूज इंडिया, मैं माजिद अंसारी। अभी आप देख रहे हैं ठीक मेरे पीछे तिरंगा रैली निकाली गई है, जो कि 23 मार्च को निकाली जानी थी, जिसकी वजह से मौसम खराब होने की वजह से जो है ये पोस्टपोन की गई। आज जो है 25 मार्च को आज मौसम बिल्कुल ठीक होने की वजह से आज एबीवीपी के द्वारा ये रैली निकाली जा रही है। देखते रहिए डेली न्यूज इंडिया, मैं माजिद अंसारी भद्रवाह से। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे जी नमस्कार, मेरा नाम मंजीत कुमार है, मैं भद्रवाह तहसील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रेसिडेंट हूँ। और मैसेज ये देना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी रैली आज रही, तो इस रैली का मकसद खाली ये करने का था कि हमें हर एक प्रकार के जितने सारे हमारे जो शहीद नेता वगैरह जो हुए हैं, नेता शहीद हुए हैं, हमें नाम तो हर किसी का पता, मगर हमें ये पता नहीं कि उनकी शहादत किस तरीके से हमारे लिए आज़ादी ले आई। इसलिए पूरे देशवासियों को जो है यही मैसेज देना चाहूँगा
कि जिस प्रकार से हम आज आज़ाद रहे हैं, तो उस आज़ादी, वो आज़ादी जो हमारे लिए बिल्कुल भी आसानी से नहीं आई है। उन्होंने जान तक निछावर करके, अपने प्राण तक निछावर करके हमारे लिए आज़ादी लेकर आए हैं। तो हमें इस आज़ाद में, आज़ादी वाले नेशन में रहते हुए उनको याद करना है, ठीक है। उनको जब जब उनके लिए कोई भी कार्यक्रम जो आता है, जैसे आज हमने जो है श्रद्धांजलि समारोह कभी हम करते हैं उनके लिए, जैसे आज हमने रैली निकाली त्रिमूर्ति बलिदान दिवस पर, तो उससे हमारा मेन मकसद यही है, जब मेन मैसेज जाना यही देना चाहूँगा कि हमारे जितने सारे नेशन के लोग हैं, वो जो है अपने हमारे हीरोज़ जो जिन्होंने जो मार्टियर जिन्होंने क्या कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी इस देश को आज़ाद करने के लिए, तो उनकी तरफ ज़्यादा मतलब हमारा रुख रहे, उनसे अटैचमेंट ज़्यादा रहे, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए क्या है वो कहीं बियॉन्ड द लिमिट है बिल्कुल, ठीक है, जो हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। उन्होंने जो है अपने प्राणों से छावर करके हमारे लिए आज़ादी छीन कर ले आए हैं, और आज हम इस आज़ाद नेशन में जी रहे हैं, इसलिए हमें उनके बलिदान को नहीं भूलना है, हमें उनको याद करना है। आज जो ABVP स्टूडेंट्स ने शहीद दिवस पर जो तिरंगा यात्रा निकाली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज के नौजवानों को याद है कि हमारे शहीदों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए क्या क्या बलिदान दिए हैं, अपनी जानें कुर्बान की हैं, तब जाके आज हम ये खुशगवार इस मुल्क में सांस ले रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो इन्होंने ये रैली निकाली, ये एक फख्र की बात है, खुशी की बात है, क्योंकि दुनिया में अगर आज सबसे बड़ा लकब हमें मिला है जमहूरियत का, कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, वो किसके कारण है? वो इन शहीदों के कारण है, इनके बलिदान की वजह से आज हम आज़ादी से चल फिर रहे हैं। तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इनको स्टूडेंट को, कि आज भी ये याद रखते हैं उन शहीद लोगों को, इनका शहीद दिवस पे इनकी रैली निकालते हैं, तो हमें भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मेरा नाम अनामिका संभ्याल है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ, मैं 5th semester में पढ़ती हूँ। आज का हमारा ये योगदान था कि जो शहीद भगत सिंह ने हमारे लिए इतना योगदान दिया, जिन्हें टेररिस्ट कहा गया, हम इनको बता सके कि वो टेररिस्ट नहीं थे, उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है हमारे लिए, उसलिए यही मोटिव था हमारा मेन रैली का। और क्या मैं ये कहना चाहूंगी कि वो रेवोल्यूशन मतलब वो टेररिस्ट नहीं थे, उनकी हमेशा हमें शहीदों में याद रखना चाहिए, हमेशा उनकी श्रद्धांजलि देनी चाहिए, मेन मोटिव यही है।